नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने मनपसंद YouTube चैनल पर जिसका नाम है युद्धवीर टंडन। दोस्तों, आज हिंदी व्याकरण श्रृंखला भाग 7 आपके बीच लेकर आया हूं और इस भाग में, इस श्रृंखला के हम बात करेंगे सर्वनाम व उसके प्रकार। इसमें सर्वनाम के सभी प्रकारों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी। इससे पहले वीडियो को शुरू करूं, आपसे निवेदन है, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक आप वीडियो देखने के बाद ही करें अगर आपको अच्छी लगी तो, और साथ ही शेयर भी जाते जाते वीडियो को ज़रूर कर देना। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्वनाम क्या है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, आप, वह, कौन, किसने, ये सारे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। और इसका कारण ये है कि ये संज्ञा के स्थान पर आते हैं। संज्ञा यानी किसी का नाम। उदाहरण स्वरूप देखिए, अगर मैं अपना नाम लूँ, मेरा नाम है युद्धवीर टंडन, और मैं कहूँ कि युद्धवीर टंडन ये करता है, युद्धवीर टंडन वो करता है, युद्धवीर टंडन बाजार जाता है, तो भाषा में निरस्ता आ जाएगी, सुनने में थोड़ी सी बोरियत लगेगी। लेकिन इसके बदले में हम, संज्ञा के बदले में हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ, मैंने ये किया। ठीक है, आप अभी आपके अपने YouTube चैनल पर हैं, अब मैं आपका नाम बार बार नहीं ले सकता। पता नहीं कितने लोग इस समय इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो मैं ये नहीं कह सकता कि राकेश का ये चैनल है, ये रोहित का चैनल है, ये राजीव का चैनल है। ये चैनल आपका है, आप शब्द में सभी संज्ञाओं को समाहित हो कर लिया है। अब जो सर्वनाम शब्द का अर्थ है वो है सर्व यानी सब, और नाम यानी सबका नाम, यानी सबका नाम जो है वो सर्वनाम में आ जाता है। और विशेष रूप से एक बात, जो सर्वनाम है वो संज्ञा से पहले लगता है। जैसे मैं इंसान हूँ, ठीक है, यह पुस्तक है, ठीक है, इस तरीके से ये जो है ये हम इसको ले सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि सर्वनाम के भेद क्या हैं, यानी सर्वनाम के कितने प्रकार हैं। तो सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। कौन कौन से? एक पुरुषवाचक, इनके बारे में विस्तार में चर्चा भी करेंगे, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। दोस्तों, ये सीरीज जो है, इस सीरीज में मैंने इससे पहले संज्ञा, उसके भेदों, काल क्या है, काल के कितने रूप हैं, विराम चिन्ह क्या है, इस तरह की बहुत सी वीडियो, मुहावरों पर एक वीडियो बना के रखी। आप वो वीडियो जो है वो चैनल के डिस्क्रिप्शन से जाकर के देख सकते हैं, ताकि आपको पूरी लयबद्ध तरीके से हिंदी का जो व्याकरण है वो समझ में आ जाए। प्रत्येक प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं और हर कक्षा के विद्यार्थी के लिए ये वीडियो उपयोगी हो सके, इसी दृष्टिकोण से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब हम बात करते हैं एक एक करके इस पूरी फेहरिस्त पर। सर्वनाम के जितने भी प्रकार हैं, इन सभी प्रकारों को हम बारी बारी में डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं, सबसे पहले चर्चा करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की। देखिए, ये एक ऐसा सर्वनाम है जिसको समझने में बहुत मज़ा आएगा आपको, क्योंकि बिल्कुल व्यवहारिक है, पूरी की पूरी हिंदी व्यवहारिक है, लेकिन इसमें देखना आपको बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए, वक्ता या लेखक, वक्ता होता है बोलने वाला, लेखक होता है लिखने वाला। कभी या तो अपने बारे में कुछ बताता है, कहता है, लिखता है, या फिर श्रोता या पाठक यानी सुनने और पढ़ने के वाले वरने वाले के बारे में कुछ लिखता है या बताता है, या फिर किसी अन्य व्यक्ति या तीसरे व्यक्ति के बारे में कुछ वो कहता है। अब इन तीनों प्रकार के व्यक्तियों को हम व्याकरण में पुरुष कहते हैं। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, 3 व्यक्ति कौन से? एक जो लिख रहा है या जो बोल रहा है, ये एक व्यक्ति आ गया। दूसरा, जिसके बारे में लिखा या बोला जा रहा है, 2। और तीसरा, उन दोनों से अलग कोई तीसरा व्यक्ति जिसके बारे में ना तो लिखा जा रहा है या फिर ना बोला जा रहा है, उसका जिक्र बीच में आ जाता है, इन सभी को क्या कहते हैं व्याकरण में? पुरुष कहते हैं। और इनके लिए जो प्रयोग किया जाने वाला सर्वनाम है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पुरुष से अभिप्राय स्त्री और पुरुष वाला पुरुष नहीं है, यहाँ पुरुष से अभिप्राय उन 3 व्यक्तियों से है जिनका यहाँ पर जिक्र किया गया है।
आगे चलते हैं। अक्सर इसमें उदाहरण हम लेते हैं, जैसे वह खाना खा रही है। अब यहां पर आप देख सकते हैं यह एक लड़की है, लेकिन फिर भी पुरुषवाचक सर्वनाम लगा है यहां पर, जो है वह खाना खा रही है। ठीक है, ये किसके बारे में बोला जा रहा है? यह किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है। राधा ने गीता को कहा तुम भी मेरे साथ चलो। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। आगे है मैं अभी खेल रहा हूं, मैं अभी खेल रहा हूं। इसमें भी आप देख सकते हैं अपने बारे में जब बताया जा रहा है तो वो भी पुरुषवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। इसको और ज्यादा विस्तार से समझते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेदों को हम जानते हैं। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद हैं। पहला है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष कौन सा पुरुष होगा? सर्वनाम का वह रूप जिससे बोलने वाले या वक्ता का पता चले। जैसे मैं मतलब बोलने वाला। ठीक है, मध्यम पुरुष सर्वनाम का वह रूप जिससे सुनने वाले या श्रोता का पता चले। जैसे आप, तुम। ठीक है ना जी, मैं हूं उत्तम पुरुष, आप जो वीडियो देख रहे हैं आप हैं मध्यम पुरुष। और अन्य पुरुष सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी अन्य व्यक्ति के बारे में पता चले, जिसके बारे में बात की जा रही हो, वो आ गया अन्य पुरुष। जैसे मैं आपको अपने एक मित्र के बारे में बताता हूं जिसका नाम है राकेश। राकेश रोज सुबह 5 बजे उठता है और सुबह रोज सैर को जाता है। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको राकेश के बारे में बताया, राकेश क्या है? अन्य पुरुष है, क्योंकि ना तो वो बोल रहा है ना वो सुन रहा है, वो एक अन्य पुरुष है जो कहीं और बैठा है और उसके बारे में हमने यहां पर बात की है। अब बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के जो तीन भेद है उसकी ये सारणी मैंने आपके लिए बनाई है आपकी सुविधा के लिए। देखिए उत्तम पुरुष जो है उसमें कौन कौन से सर्वनाम है? मैं, हम, हमारा, अपना, मेरा। ध्यान से देखें, मैं ये भी क्या है? पुरुषवाचक है। हम भी पुरुषवाचक है, हमारा भी पुरुषवाचक है, अपना भी पुरुषवाचक है, तू ये। और इसके बाद जो मध्यम पुरुष है वो आता है जैसे तू, तुम, आप, तेरा, तुम्हारा, आपका, है ना जी। और अन्य पुरुष में आ जाता है वह, वे, यह, ये, उनका। इसके बाद अगला आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है जी, जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध कराए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चित होना चाहिए। और इसका उदाहरण है जैसे यह, वह, यही, वही। इसको थोड़ा सा और विस्तृत रूप से देखते हैं। ये सब फल मेरे हैं, यहां निश्चित है ये सब फल किसके हैं? मेरे हैं। तो ये निश्चित है, तो ये क्या आ गया? निश्चयवाचक आ गया। वह मेरी किताब है। अब यहां पर वह जो है वो निश्चयवाचक है, वह किताब मेरी है, ये निश्चित बात है, तो वह निश्चयवाचक है। वे बाजार जा रहे हैं, यह क्या हो रहा है, ये सारी चीजें, ये सारे निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण मैंने आपके सामने रखे। अब अगली बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो, ध्यान दें निश्चयवाचक में बोध होना चाहिए और अनिश्चयवाचक में वो है जिसमें कि बोध ना हो, जैसे कोई, कुछ, किसी, किन्हीं आदि। इसके उदाहरणों को नीचे आप ध्यान से देखें। इन उदाहरणों में आपने क्या पाया? जैसे कोई मिल गया, कोई मिल गया। अब पता नहीं कौन मिला, उसका नाम हमें पता नहीं है, उसके नाम की जगह हमने कोई लगा दिया, क्योंकि नाम की जगह जो शब्द इस्तेमाल होगा वो सर्वनाम होगा, तो यहां पर हमने कोई तो लगा दिया, लेकिन क्योंकि वो निश्चित नहीं है तो इसीलिए कोई क्या हुआ? अनिश्चयवाचक हुआ। किसी ने उसे गिरा दिया। अब किसी ने गिराया तो वो था कौन? कोई व्यक्ति होगा, कोई पेड़ होगा, कुछ ना कुछ होगा, वो उसका नाम होगा, उसका नाम हमें पता नहीं था इसीलिए हमने सर्वनाम लगाया। और जब सर्वनाम है वो अनिश्चयवाचक है, क्योंकि सर्वनाम से भी पता नहीं चल पा रहा है, निश्चित नहीं हो पा रहा है। इसी प्रकार किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दें। अब कौन से 5 प्रश्नों का, यह हमें पता नहीं। ठीक है, अब जो अगला है सर्वनाम का प्रकार या भेद, वो है संबंधवाचक। नाम स्पष्ट कर रहे हैं, जिस सर्वनाम से एक बात का दूसरी बात उन्हें, जिस सर्वनाम से एक बात का दूसरी बात से संबंध का पता चले, जिससे संबंध हो, निश्चित हो, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम हम कहते हैं। और ये हमेशा जोड़े में प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे जो सो,
जैसा वैसा जो वह। उदाहरण इसको विस्तृत रूप से देखते हैं ताकि और ज्यादा हमें स्पष्ट हो सके। उदाहरण है जैसे जो तन लागे सो तन जाने। अब देखिए यहाँ पर दो सर्वनाम जो जोड़े में प्रयोग हुआ है, एक सर्वनाम जिसको हम कह सकते हैं संबंधवाचक, जो तन लागे सो तन जाने, ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है, दो बातों को जोड़ रहे हैं। जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा, यहां पर भी जो और वह जोड़ रहे हैं, संबंध व्यक्त कर रहे हैं, जैसा काम वैसा दाम। इसमें भी आप देख सकते हैं कि दो बातों को, दो वाक्यों को संबंधवाचक सर्वनाम ने जोड़ा है। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। सबसे आसान है, कौन, क्या, किसे, किसका, कितना, ये सब इसके उदाहरण हैं। और आप देख सकते हैं जैसे आपका नाम क्या है, मैंने प्रश्न किया तो क्या क्या हो गया, प्रश्नवाचक। आप कौन है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन आ गया, रेखांकित किया है। नीचे आप देख सकते हैं यह किसका थैला है तो किसका भी क्या हुआ, प्रश्नवाचक। और अगला और जो अंतिम है वो है निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग अपने लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपना, अपने, मुझे अपने आप पर भरोसा है, ठीक है, यह आपका अपना चैनल है, ठीक है। स्वयं, आप स्वयं निश्चय करें कि इस वीडियो को देखने के बाद इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना है या नहीं। तो उदाहरण देखते हैं, जैसे तुम अपना मन लगाकर काम करो, वह अपने आप चला जाएगा, मैं स्वयं बाजार जाता हूं। तो ये जो सर्वनाम है ये निजवाचक सर्वनाम है। दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को अंत करने का समय हो चला है। मैं उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी और सर्वनाम आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अगर आप सरकारी शिक्षा, शिक्षण वीडियोस, कविताओं, कहानियों, शिक्षण सहायक सामग्री, अध्यापकों से संबंधित आपकी कोई क्वेरी है, अध्यापकों की कोई क्वेरी है, टीचिंग इनोवेशंस के रिगार्डिंग यदि आपने वीडियोस देखनी है, या किसी भी प्रकार की शिक्षा से जुड़ी हुई कोई भी आपको समाधान चाहिए किसी समस्या का, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस पर आने वाले समय में हम बहुत सी इसी प्रकार की वीडियोस को डालते रहेंगे, बहुत सी पहले डाली भी हैं जिन्हें आप चैनल पर जाकर के ज़रूर देखें, कम से कम एक बार तो ज़रूर ही देखें। और इसी के साथ यदि आपको आप कॉन्टैक्ट करना चाहें तो मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया होता है हर वीडियो के एंड में, आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और अब फिर से मैं आपसे एक बार कहूँगा अलविदा प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, और फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अब आप जाते जाते इसे लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब शुरू में नहीं किया है तो फिर से एक बार जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।